जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद जिला परिषद की पहली बैठक थी। बैठक के दौरान जिला परिषद के सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान बीते 5 वर्षों के कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला परिषद द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का निष्पादन हुआ या नहीं, बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग का धन्यवाद करते हुए आभार भी व्यक्त किया। जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो कार्य लंबित पड़े हुए हैं उनका निष्पादन 31 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। जिले की विभिन्न खड़ों और नदी नालों में अवैध खनन का कड़ा नोटिस लेते हुए जिला परिषद ने प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया। जिला परिषद की यह त्रैमासिक बैठक कोरोना महाकाल के शुरू होने के बाद से आज ये प्रथम बैठक थी और इसमें हमारे जो सम्मानीय जिला परिषद के सदस्यगण थे उनके जितने भी मुद्दे आए उस पर विस्तृत चर्चा की गई और जिला परिषद के कार्यकाल की अंतिम बैठक भी थी। तो इसमें जितना हमारा लेखा जोखा था 5 वर्षों में जो हमने कार्य किए, कि जो भी पैसा भिन्न भिन्न हैंड से सैंक्शन हुआ, जो भी मुद्दे यहाँ से उठाए गए उनका क्या निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, और मैं तो तमाम जिला के सभी जिलाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे 5 वर्ष का जो ये कार्यकाल रहा इसमें उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया और उसी पूर्ण सहयोग की वजह से हमारा जो जिला है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण अवार्ड में भी प्रदेश में प्रथम रहा। और इसके साथ साथ जो कार्य अभी कुछ पेंडिंग्स थे तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इनका निष्पादन भी हम 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले कर देंगे जो हमारे माध्यम से रखे गए हैं। लेकिन कुछ एक इशू ऐसे थे जैसे खनन का मुद्दा आज बहुत छाया रहा और उस मुद्दे में हमारा प्रश्न ये था कि आज भी कई जगह मैकेनिकल खनन माइनिंग की जाती है और उस माइनिंग के ऊपर अंकुश लगाया जाए क्योंकि जितने यहाँ हमारे क्रेशर्स हैं जिला में उनका उत्पादन तो वही रहा और लेबर तो कोरोना काल में आई नहीं तो वो कंजम्पशन जो थी वो कैसे उन्होंने फुलफिल की। तो इसलिए हमने खनन अधिकारी को भी और जिलाधिकारी को भी ये कहा है कि इसके ऊपर चेक किया जाए क्योंकि आने वाला जो समय है हमारी जो अगली लड़ाई होगी हमारे जिला में हो प्रदेश में हो देश में हो वो पानी के ऊपर होगी आपस में क्योंकि जिस तरह से पानी का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ही खनन है। इसके अलावा हमारे जिला परिषद ने लगभग हमें 2 करोड़ रुपए का बजट आया उसको भी हमने विभिन्न जिला हमारे जिला के जो सदस्यगण हैं उन्होंने आवंटित कर दिया। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।